मिनट, तुम रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। मैं समझ गई तुम्हें मुझसे नफरत है, पर इसकी वजह समझ नहीं आती। तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। मैं शो ऑफ तुम्हें इम्प्रेस करने आई थी। क्या क्लास में हुए नए सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से? हाँ, यही वजह है। तुम मुझसे इसलिए जलती हो क्योंकि मैं एड्रियन के पास बैठती हूँ, और तुम उसके पास बैठने के लिए कुछ भी कर सकती हो, है ना? एक बात कहूँ, एक लड़के के लिए आपस में लड़ना बेकार है। तुम और मैं दोस्त बन सकते हैं, और क्या पता, हो सकता है एड्रियन के मामले में मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूँ। हम दोनों तभी दोस्त बन सकते हैं जब तुम झूठ बोलना छोड़ दोगी। मैं साबित नहीं कर सकती, पर जानती हूँ कि तुम्हें टिनाइटिस नहीं है। तुम्हारी कलाई ठीक है, और तुम प्रिंस अली को नहीं जानती क्योंकि तुम कभी अच्छू गई ही नहीं हो। और तुमने आलिया से लेडी ब्लॉग पर चाहे जो भी लिखवाया हो, लेकिन लेडी बग ने तुम्हारी जान कभी नहीं बचाई। मैं वही कहती हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। उसे झूठ बोलना कहते हैं। देखो, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लोग जो सुनना चाहते हैं वो सुनने से खुद को नहीं रोक पाते। मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती, ठीक है, पर जल्द ही तुम्हारे भी कोई दोस्त नहीं होंगे, देख लेना। और यकीन मानो, मैं तुम्हें एड्रियन के करीब नहीं आने दूंगी, ना क्लास ना बाहर। तुम औरों से कम बेवकूफ लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मेरा साथ दोगी या फिर नहीं? जवाब अभी देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज कॉलेज खत्म होने तक का वक्त देती हूँ। लाइला, लेडी बग, चलो अब तुम सच में कह सकती हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। फ्रेंड्स, थैंक्स लेडी बग, तुम्हें अपना दोस्त बनाकर मुझे खुशी होगी। मुझे जानकर अच्छा लगा। और हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हें झूठ बोलकर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो, लोग तुम्हें वैसे पसंद करेंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ लेडी बग। अब मैं चलती हूँ, बाय। लेडी बग ने सच में मेरी जान बचाई। अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती वो। आईफल टावर पर जाने के बाद तुम्हारे टिनाइटिस से तुम्हें वर्टिगो नहीं हुआ? अरे नहीं, लेडी बग मेरी परेशानी जानती है, इसलिए मेरे राइट कान में लगाने के लिए ईयर प्लग लाई थी। राइट कान? क्या उसने कहा राइट कान? पर सुबह तो उसने कहा था कि उसके लेफ्ट कान में प्रॉब्लम है। इस बार वो नहीं बच सकती। ए, क्या तुम सबको बताओगी? बिल्कुल बताऊंगी लाइला, झूठी है। हाँ पता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसकी सच्चाई बता दोगी तो उसे और बुरा लगेगा। बुरे लोगों को सजा देने से वो अच्छे नहीं बन जाते। लेडी बग और मैं तो दो जिस्मों और एक जान है, तो क्या हम उसे चुपचाप झूठ बोलने दें? तुम्हें और मुझे सच्चाई पता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? सही कहा, शायद ही कोई बड़ी बात नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। अच्छा किया जो तुम उससे उलझी नहीं, मैरिनेट। हे, यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है। लाइला प्रेजेंट। एड्रियन प्रेजेंट। मैक्स प्रेजेंट। क्लास में ध्यान दो मैरिनेट, ज्यादा मत सोचो वरना तुम फेल हो जाओगी। Marinette? फिर तुम और एड्रियन वो घर कैसे ले पाओगे? और तुम्हारे तीन बच्चे और वो पेट हैमस्टर जिसका नाम मिस बुस्ट ये तीन बार तुम्हारा नाम पुकार चुकी है। लगता है तुम्हें भी सुनने में प्रॉब्लम हो रही है मैरिनेट। ऐसा करो, तुम यहाँ आगे आकर बैठो लाइला के पास। मिस बुस्टिये, ये तो कमाल हो गया। मेरा टिनाइटिस अब चला गया है, एकदम गायब, मानो जैसे जादू हुआ। जरूर लेडी बग ने किया होगा। अब मैं पीछे बैठ सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस बुस्टिये, क्या मैं मैरिनेट के साथ बैठ सकती हूँ? मैं और नीनू बहुत बातें करते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेले बैठने दूंगी? एक्सक्यूज मी मिस बुस्टिये, मैं भी अपनी जगह चेंज करके नीनू के पास बैठना चाहता हूँ। सॉरी लाला, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या मुझे भी मेरी सीट वापस मिलेगी प्लीज? क्या मैं भी वही चला जाऊँ जहाँ पहले बैठा था? मुझ पर
पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया मिस्टर अग्रेस्ट। एड्रियन की सुरक्षा करके मुझे अच्छा लगेगा, पर उसके आसपास लोगों को देखकर अफसोस होता है। एड्रियन अपने उस दोस्त नीनो से बेहतर दोस्तों के लायक है, और फिर वो सब लड़कियां जो उसके आसपास मंडराती रहती हैं, खासकर वो बुद्धू मैरिनेट और वो अकड़ू क्लोई। क्लोई, ऐसा लगता है उसे तो बस घमंड है क्वीन बी होने का, पर एड्रियन को उन लड़कियों की कोई परवाह नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि एड्रियन क्लोई को नजरअंदाज करेगा, वो दोनों बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं, उनकी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। थैंक यू लायला, हम कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। मुझे यकीन है कि ये यंग लेडी हमारे ग्रैंड प्लान की कामयाबी में हमारी मदद करेगी। रीना रोज और कैरा बेस कितने मामूली हैं। समझ नहीं आता लेडीबग उन्हें क्यों बुलाती रहती है जबकि मैं क्वीन बी हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हे लायला। हाँ, चलो टेस्ट की तैयारी करते हैं। कौन सा टेस्ट? आज दोपहर की साइंस टेस्ट। वाओ। चलो मैं पढ़ाई में हेल्प करता हूँ। क्या तुम लेडीबग की बात कर रही थी? वैसे तुम कौन हो? लायला है, ये हमारी क्लास में है। ओह अच्छा, वैसे इसका मुझ पर कोई खास इम्प्रेशन नहीं पड़ा। ओ, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अब याद आया कि लेडीबग ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम लेडीबग को जानती हो? हाँ बिल्कुल, वो और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जैसे कभी तुम उसकी थी, किसी जमाने में जब भी मैं उससे मिलना चाहती हूँ मैं एक मैजिक कमांड देकर उसे अपने पास बुला लेती हूँ। मैजिक? हाँ, जैसे तुम उसे बुलाने का सिग्नल देती हो, पर मेरा सिग्नल हमेशा काम करता है। हाँ तो होता होगा। क्या तुम वो मैजिक जानना नहीं चाहोगी? तो बता दो। अगर इससे लेडीबग तुम्हारे पास ना आए तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्लोई, जो मैजिक कोड तुमने बताया था लेडीबग को बुलाने वाला, वो एक मजाक था, है ना? अरे नहीं, मजाक नहीं था। क्यों, कल तुम लेडीबग के साथ नहीं थी क्या? हाँ। यानी मैजिक चला? ओके फाइन, तुम इतनी भी यूजलेस नहीं हो। तुम्हें सबसे खराब ग्रेड कौन सा मिला है? A- मैथ में। देखो लायला, तुम घर आने के बारे में भूल जाओ, इस तरह घर में घुसने वालों से डैड बुरा बर्ताव करते हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम मुझ पर छोड़ दो। I'm sorry Adrian, पर तुम अपने डैड को जानते हो। Excuse me ma'am, पर क्या आप उनसे सीधे सीधे पूछ सकती हैं? हो सकता है कि वो मान जाए। मिस्टर अग्रेस डिजाइनिंग में बिजी हैं और उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था। एड्रियन, पिछले दिनों इतने सारे मॉडलिंग से तुम्हारा जो स्कूल वर्क मिस हुआ, मैं उसमें तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम्हारे लो ग्रेड के बारे में तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, वो किसे दोष देंगे? एड्रियन, तुम्हारे ग्रेड्स कम आए हैं? वो खुद आपको नहीं बताएगा, पर उस दिन मैंने उसे रोते हुए देखा क्योंकि उसे A- मिला था, और मैंने सोचा कि शायद मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, बस आधा घंटा ही लगेगा। मैं जानती हूँ आप सिर्फ उसकी भलाई चाहते हो, मैंने पूरी कोशिश की है एड्रियन, गुड लक। अगर सिर्फ आधे घंटे की बात है? अगर आप कहती हैं तो मंजूर है। सीरियसली, वो ऐसा कैसे कर लेती है? ये रेड वाली लड़की खूबसूरत है, कौन है? ये कगामी है, हम एक साथ फेंसिंग क्लास लेते हैं। वो बहुत खूबसूरत है, किसी दिन मिलवाना मुझे उससे। पता है मैं भी कुछ साल जापान में रह चुकी हूँ। लायला, तुम मुझसे होमवर्क में हेल्प लेने आई थी ना? लो, अब ऊपर चढ़ना सेफ है। लो। थैंक यू। कहीं तुम अब भी फैन तो नहीं हो उस टाइम हो गया है एड्रियन, तुम्हारे डैड किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। देखो मैं शर्ट जीत गई, याद रखने के लिए एक फोटो हो जाए। तुम्हें मैच में और परेशानी हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। क्या? मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस के वक्त सेलफोन नहीं कगामी, प्रैक्टिस के बाद देखना। आई एम सॉरी मॉम। मिस्टर गैब्रियल एग्रेस, मैं आपके फैशन डिजाइन की फैन हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे खास दिन है।
मैं जानती हूँ कि आप बिजी हैं, इसलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अच्छा तो चलती हूँ। गलती मेरी है सर, मैं मेरे ऑफिस पहुँचो अभी। मैं अभी इसकी फोटो लेकर उसे ऑनलाइन पोस्ट कर सकती हूँ, पर इतनी जल्दी नहीं। कर दिखाया। मैं इसे घर ले जाता हूँ। लायला पर नजर रखना, वो एकदम चालाक है। तुम्हारा पैर तो बेहतर लग रहा है। तुम सुपर हीरोज के साथ रहकर मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। तो तुम अकेली घर जा सकती हो, मेरी जरूरत नहीं होगी। शायद मुझसे गलती हो गई, उस लड़की को ऐसे नहीं भगाना चाहिए था, वो मेरी अच्छी साथी बन सकती है। हे एड्रियन, स्कूल के बाद तुम मेरी होमवर्क करने में मदद करोगे? क्या तुम अब एड्रियन पे नजर नहीं रख रही हो? उस पर भरोसा है आलिया, एड्रियन कभी लायला से प्यार नहीं कर सकता, लाखों सालों तक नहीं। I'm sorry, मुझे फेंसिंग करनी है, फिर बात कैलकुलस की हो तो तुम उसमें मुझसे ज्यादा बेहतर हो। एक्चुअली इतने ट्रैवलिंग के बाद मुझे मेमोरी लॉस हो गया है, इसलिए मुझे शुरू से शुरुआत करनी होगी। पिछली बार तुम्हारी वजह से नैटली और मेरे बॉडीगार्ड को डांट पड़ी थी। I'm sorry, Adrian, please, मेरा वो इरादा नहीं लायला, था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर मेरे दोस्तों को चोट पहुँचाई तो नहीं। हेलो, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया मिस्टर एग्रेस्ट। तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में आई झूठ बोलकर और मेरे बेटे को फुसला कर। मेरा इरादा बुरा नहीं था, एड्रियन को बात करनी थी। आप बुरे लोगों से उसे दूर रखने का काम इतने अच्छे से करते हैं कि वो अकेला महसूस करता है। तुमने मेरी आंखें खोल दी, इस प्रॉब्लम पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? उसे अपनी उम्र का कोई फ्रेंड चाहिए, कोई ऐसा जो उसे समझे, उसे बुराई से सुरक्षित रख सके और जिस पर आपको भी भरोसा हो। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। जल्दी मिलते हैं लायला। हाँ जरूर मिलते हैं मिस्टर अग्रेस्ट।